चले जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हमने बहुत सारा फन किया क्योंकि गुरु जावेद की थी पार्टी, बर्थडे पार्टी, और हमने बहुत इंजॉय किया। देखिएगा एंड तक, लास्ट में आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये है मेरी उस्ताद जिनकी मैं स्टूडेंट हूँ, उस्ताद नीली। और ये है उस्ताद गजल। वैसे वकास को पूछूंगी कि ये तुम्हारे किस काम का उस्ताद है, क्या सिखाया इसने तुझे। ये है सोनिया जी, बहुत फनी बातें करती हैं और बहुत हंसाती हैं। इनके पास इंसान बैठ के कभी बोर नहीं हो सकता, बहुत फनी है। और ये हैं गुरु सज्जो, इनको तो कौन नहीं जानता। मेरी वीडियोस में आप इनको मेरे साथ देखते ही होंगे अक्सर ढंग से। My dancing doll and my sweetheart, I pray for you. You are the star of Pakistan, but the star of world. My sweet. ये हैं शादी जी, बहुत अच्छी हैं और मुझसे बहुत प्यार करती हैं, और इनका बोलने का लहजा भी बहुत अच्छा है, वो तो आपने कुछ सुन लिया होगा। बहुत मीठा बोलती हैं। ये हैं जी समरा जी, बहुत अच्छी हैं ये भी, और इतनी अच्छी डांसर हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। ये है इमरान, और मैं इसको बालू प्यार से कहती हूँ, बड़े फनी हैं ये भी, और इनकी मुस्कुराहट और इनके बोलने के अंदाज़ से मुझे हंसी आती रहती है। ये है शाम जी, अभी उनका मुँह उधर है, नज़र नहीं आए, और गाना तो बहुत कमाल का लगा है और मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है, और मेरी एंट्री पर लगाया, हाय मुझे तो लज्जा ही आ गई। अब इनमें से बहुत सारी हैं जिनके नाम मुझे नहीं आते, सो सब मेहमान थे, मैं भी मेहमान थी, और जिनकी पार्टी थी सबने अच्छे से वेलकम किया और बड़े प्यार से मिल रही हैं, वो आप देख रहे हैं। अरे भाई गाना बंद करो, कहीं कॉपीराइट आता है, आपको पता कॉपीराइट के बड़े इशू होते हैं। और डीजे वाले भाई बंद करने को कहा, आपने तो टोन ही चेंज कर दी, गाने के सत्यानाश कर दिया। हाय बाजू वाली को भी मिल लूं, कहीं गुस्सा ही ना कर जाएं। वेलकम वेलकम जी, सबको वेलकम। ये अभी जिसको जफ्फी डाल रही है खुशी, उनके साथ ये कशिश हैं और साथ में जो उनके उस्ताद हैं। डीजे वाले भाई तो रामेश भाई से मुझे मार पड़वाएगा, गाने को बंद कर दे। जाहिर बात है जब ये वीडियो अपलोड होगी तो वो कहेंगे भाई ये वीडियो नहीं जा सकती, इस पे कॉपीराइट का इशू है, तो दोबारा से मुझे ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी जिसको मैं मिली हूँ ये समरा है, और साथ में अभी मुझे पीछे से आके जिसने खींचा ये बिल्लो है। बिल्लो ठुमका लगा सानू सपनू न जाओ बिल्लो ठुमका। हाँ क्या करें, ये कॉपीराइट वालों ने बर्बाद करके रखा हुआ है। ये कहते हैं कि बस तू ही ना थोड़ी जावे साड़ी, हम मतलब हमारे गाने की तू भी ना जाए, ट्यून भी नहीं जाने देते इतने सारे में। अगेन मैं अपने उस्ताद को मिल रही हूँ, उस्ताद नीली जी, लव यू। मिले हो मुझे तुम उर्वा। चलिए इधर उर्वा बैठी हुई थी, मैंने कहा चलिए उसको भी मिल लूँ। उससे पहले आ गई नैना लाल, ये नैना लाल है। अभी आपको मेरी आवाज़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा यार, क्या करूँ, पीछे गाना चल रहा है इसलिए नहीं छोड़ सकती कि पीछे बैकग्राउंड साउंड क्या है। अभी ये वाला साउंड आपको सुनना पड़ेगा, सॉरी। क्या यार इस बैग ने मुझे ख़राब करके रखा हुआ है, अभी उसको हाल वाल पूछ रही हूँ और ये कंधे से गिरे जा रहा बिग बॉस वाला बैग, मैंने तो पहना ही नहीं था, ये मुझे सवेरा ने ज़बरदस्ती पहनवाया। ये हैं जी शौकत भाई, इनको कौन नहीं जानता, आप भी जानते, मेरे साथ अक्सर वीडियो टिकटॉक यूट्यूब व्लॉग हर जगह देखते हैं, तो ये मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे हैं। बस मैंने तो सबसे मिल लिया, लेकिन ये पीछे सॉन्ग जो है ना ये बंद अभी तक नहीं हुआ, और डीजे वाले भाई तरस खा ले मुझ पर, मुझे दोबारा इतनी मेहनत करनी पड़ेगी अगर दोबारा से मुझे अपलोड करनी पड़ेगी वीडियो, पैगी वीडियो की हो रहा है, मैंने कुछ नहीं, मैंने नहीं समझ आ रही। पहले तो और सेल्फी का था, अब तो टिकटॉक वीडियो बनवानी पड़ती है, ऐसे जान नहीं छोड़ती, आपको पता है ना। ये है सैमा सरगोधा से।
खुशबू आ जाती है बच्चों से सदके जाओ मेरी सुनो हमेशा खुश रहे आबाद रहे आप और आपने मुझे अपनी खुशी में बुलाया बहुत अच्छा लगा और जितने यहाँ पे मेहमान हैं सबको वेलकम हो गया और आपसे आप सबके मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच गुरुजी आपको आई थैंक फॉर यू माय स्वीट डॉटर मैं वैसे मजे की बात बताऊं आपको भूख की वजह से सर में दर्द हो रहा था और दिल कर रहा था कि कुछ खा लूं लेकिन फिर क्या करते पार्टी के बाद ही कुछ खाना था इनका मुझे पता नहीं कि ये कहाँ से आए लेकिन वेलकम हो गया जी आपको भी ये जो मेरे बाजू में खड़ी है ना पर्पल सूट पहन के ये इसको आप देख रहे हैं ऐसे मासूम लग रही है ऐसे मासूम है नहीं आप इसको जाके जो है ना टिकटॉक पर देखना ये बड़ी फ़नी बातें करती है और बड़ी फ़नी है मिट्टी इसका नाम है मिट्टी ये अभी फर्स्ट में जिनको मैं मिलूँगी ये हैं भाई कैसर बहुत अच्छे हैं मेरे भाई हैं अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे खुश रहें और साथ में उनके दोस्त हैं अभी ये बिल्कुल सरप्राइज था किसी को पता नहीं था कि मैंने आज इस पार्टी में आना है और ये बिल्कुल सरप्राइज था सच्ची में और सिर्फ गुरु जावेद को पता था लेकिन देख लें आपकी मोहब्बत अभी आप सब देख रहे हैं सुनने और देखने वालों को भी ये मैं बता दूं, गुरु जावेद और किरण ये दोनों माँ बेटी का रिश्ता जोड़ रही हैं, माँ बेटी बन रही हैं और हमारे यही रिश्ते होते हैं हमारे खून के रिश्ते नहीं होते लेकिन हमारी चाहत सच्ची होती है ऐसा आपके हमारे रिश्ते होते हैं अभी ये दोनों माँ बेटी बन रही है आमीन तिल्ली ना टूटे कपड़ों का ये 5,000 दे रहे गुरु जावेद मुबारक हो आप दोनों को मेरा खजांची इनको दिखाए इनको दिखाए हमारी सहेलियों को छोटी परियों को नई चेहरों को पलक ये इनको आपने पहचान लिया होगा है ना थोड़े दिते दिया लाला मेरे पीड़ कलेजे थोड़ा सा वैसा फल होना चाहिए तो अभी तो अभी दबाए ना हाँ नहीं नहीं आज एक हमने और नया आइटम निकाला है वो करेंगे हम हाँ वो भी मजेदार है वो भी फेमस होगा है ना गुरु जी उस्तादी ने मेरे साथ को बुलाए चलिए उसमें उसमें आप सब मेरा साथ दे रहे हैं जो बाकी आइटम टॉप करेंगे आ जाओ उर्वा आप सबके पीछे खड़े होने तीन लाइन में ताकि वो वीडियो में वो चीज आएगी ना वो जो आइटम सॉल्व करेंगे उसमें सबसे हेलियों का साथ चाहिए नजदीक आ गए इधर ये तो हो रही है इंसाफ चाहिए इधर बड़ी हो गया ना जवान हो गया साड़ा पुत्र सारी क्लोज क्लोज आके खड़ी हो जाए ना वो अच्छा लगेगा अच्छा सॉन्ग वाले भाई किधर है एक मिनट में आके लगाती हूँ इधर है वो नजर नहीं आ रही सवेरा सवेरा इधर आओ हाँ सवेरा आ जाओ मेरा साथ देने जा रही है सवेरा अभी हम तब पे बोलियां करेंगे और उसमें आप फुल एंजॉय करेंगे हाँ जी आप सब इधर है अच्छा आप पीछे होंगे तो ये पीछे हो जाएंगे शुरू होएगा सही है ना गुरुजी शुरू के पीछे हो वाली हो वाली वो करते हैं चल साथ ये शराबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको और मेरे यारों
तो बल्ला मुश्किल हो गया, इसकी आंखों पे कह रही हो ना, प्यारी है बहुत प्यारी। स्पेशल इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कुछ अल्फाज कि ये जो आजकल अल्लाह के घर को साफ करती हैं और मस्जिद को, अल्लाह के घर मस्जिद ही होता है, तो उसको जो ये साफ करती है जाके सुबह शाम ड्यूटी देती है गाइस, तो ये माशाल्लाह बहुत बड़ा अमल है। तो अल्लाह अपने घर में उसी को तौफीक देते हैं जिसको चाहता है, नहीं तो दुनिया के ताकतवर इंसान अल्लाह के घर नहीं जा सकते। लेकिन अपनी आंखों से आपने मैंने देखा है अपाहिज, अंधे, बहरे, जो चल नहीं सकते, गरीब, वो जो अल्लाह के घर में जाके नमाज पढ़ रहे होते हैं अल्लाह के घर में, तो बादशाह ताकतवर हाँ तो वो नहीं जा सकते। तो ये अल्लाह की जो है ना ये बहुत बड़ी रहमत है, तो इनके लिए क्लैप कर दे प्लीज, थैंक यू। और मस्जिद इमाम ने जो है ना कहा कि आप जो है ना आपको मुआवजा मिलेगा इस चीज का, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैंने अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के घर को साफ करना है, माशाल्लाह। और आपको बताओ कि वो मस्जिद वीरान पड़ी हुई थी, वहां पे नमाज भी पढ़ी जाती थी, जब से इसने सफाई करनी उस मस्जिद का ख्याल रखना शुरू किया है तब से उसमें मस्जिद भी, नमाज भी होती है और जमात भी होती है, आबाद हो गई मस्जिद माशाल्लाह। इतना ही, ये आपको YouTube पे मिल जाएगा, ये हमने टप्पे बोलियां जिसपे हम कहते हैं ना बोलियां, उस पर हमने डांस किया था और बहुत इंजॉय, ये YouTube पर जाकर देखना आप। बहुत इंजॉय किया हमने गुरु जवेद की पार्टी को, सब गेस्ट को दिखाओ, और रिमल भी है और सब सब है, सब बैठी है, रीमा जी भी है, गुरु जी मैं हूँ वेलकम के लिए, क्या मैं हूँ वेलकम के लिए, वेलकम शौकत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज ही जावेद भाई की पार्टी थी, बहुत मजा आया, बहुत खुश हुए सब इकट्ठे होकर, इतने खुश हुए, इतना हुल्ला गुल्ला किया, बहुत मजा आया, रिमल जी भी हैं, निवा जी भी हैं और महक जी भी हैं, बहुत अच्छा लगा, सब बहुत खुश हुए और सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। आज शायद ही कोई ऐसा, और बाबर भाई भी हैं, आज शायद ही कोई ऐसा हो जाए, आप ही रीमा तो आज बहुत खुश है, बहुत चीखे मार रही है, आप इनकी खुशी का पता नहीं क्या राज है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है क्योंकि पिछले सीजन में काफी रेट और बहुत ज्यादा इशू थे, अल्हम्दुलिल्लाह इस सीजन में सब स्टारें ठीक है, सबके सबको माशाल्लाह अच्छा, मुझे तो चढ़ा है ये देख के, कोई बात नहीं, नजर भी तो लग जाती है ना, बुखार हो गया था आए तो क्यों नहीं, हमारी बलोचन है मजे की बात, माया महक बचपन से गुरु के शो कर रही है, मजे की बात, हाँ मैं मजे की बात बताऊँ, जिससे मेरे छोटे छोटे बाल थे ना माशाल्लाह, उस के फंक्शन पे आई थी, पिंडी से आई थी है ना, और अब मैं कर रही हूँ, अब ये उर्वाइन के पास होती है, अल्लाह खुश रखते हैं माशाल्लाह, और अब खाने का लेट हो रहा है, बड़ी भूख भूख लगी, शफीक अहमद की तो रोटी खुलेगी, शफीक अहमद रोटी खोल लो, 10 लोटे कदर रोटी खुलेगी, लोटे आजा छेती छेती पुत्र तेरे इंतजार हो रहा है, लोटे 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 लोटा 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 किथे है, आजा लोटिया तेरा शिद्दत नाल वेट हो रहा है, और शफीक अहमद रोटी खोल दियो, 10 बजे वो सामने से सारे आएंगे उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, लौटा गया, लौटा गया।
अच्छा कहीं कहीं पे आप बेबस हो जाते हैं ना, एक काम आप करना भी चाह रहे होते लेकिन कर भी नहीं सकते, हाँ ये अल्लाह सदके जमा बेबस होते हैं ना। तो ऐसे मेरे साथ भी यहाँ पे ऐसे हुआ कि मैंने गोश्त नहीं खाना था, मेरा दिल नहीं था गोश्त खा खा के, मेरा दिल भरा हुआ था और भूख भी इतनी लगी हुई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं मटर गोश्त था और पालक गोश्त था, मैंने दोनों नहीं खाने, बस हल्का हल्का सा फिर मैंने टच किया, घर आके खाना खाया। फिर हाय दिस इज मी मैक मलिक, माई सेल्फ उर्वा खान, और आज हम तीनों इकट्ठी हुई हैं माशाल्लाह। आज हमारी पंचवीर की पार्टी, हमारे साथ सवेरा जी भी हैं, और इंडिया तो हमारे इंडिया से आए हुए बच्चियां लव यू टू, आई लव मोर देन यू। अभी सब मिल रही है एक दूसरे को और पार्टी ख़त्म हो गई है, पार्टी हो गई है, सच पार्टी तो हो गई है, अभी सब मिल रही है। ये सब होटल के वेटर हैं, उन्होंने कहा कि हमारे साथ एक ग्रुप फोटो बना ले, मैंने कहा जी ज़रूर क्यों नहीं जी, आओ सोनी हो। आपको पता है कुछ पर्सनल बातें भी तो यार पर्सनल मैटर होते हैं सबके, तो अभी हमने कोई पर्सनल बात करनी थी लेकिन शोर 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 इतने लोग, फिर मैंने कहा चलें साइड पे जाके बात कर लेते हैं। चल भी चल भी पतली गली से निकल ले। अरे वाह, मैंने तो कहा सब अंदर है लेकिन यहाँ पर तो परियों ने डेरा डाला हुआ है, वाह। मेरा ध्यान कहीं और था और इस भाई ने मुझे सेल्फी का कहा और मैं बीच में बैठ गई, फिर मुझे लगा ओए मुझे किसी ने कुछ कहा है, फिर मैंने देखा तो उन्होंने सेल्फी का कहा था, फिर मैं फ़ौरन जल्दी जल्दी निकली। यार कितनी बुरी बात है, बेचारा क्या सोच रहा होगा दिल में। अगर ये आप वीडियो देख रहे हो तो सॉरी, मुझे पता नहीं लगा मेरा ध्यान कहीं और था यार। ऐसा किस किसके साथ होता है, वो साथ खड़ा है कि मेरी पिक्चर बना दो और उसका दोस्त अपनी पिक्चर बना रहा है और उसको बीच में ले भी नहीं रहा। ये है जी हमारे सरगोधे का प्लाजा, इम्तियाज प्लाजा, लकी हो आप इम्तियाज प्लाजे वालों कि आपकी प्रमोशन हो रही है, सब टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स व्लॉगर्स सब आके यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं, हाईलाइट हो रहा है ये आपका इम्तियाज प्लाजा माल ऑफ सरगोधा। देखें अभी रात के 10:30 हो रहे हैं फिर भी कितना क्राउड है, छोटा सा शहर है आपको पता है।
तो नीचे कमेंट में बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, और अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना है। इस पर यार 50,000 लाइक तो बनते ही है ना, और अच्छे से कमेंट करके मुझे बताना और आगे शेयर भी करना, शेयर लाजमी करना। और अपने चैनल मेरे चैनल द रियल महक मलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करके आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।